कटनी में क्रेशर प्लांट में मैनेजर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। आरोपियों ने मैनेजर को पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। मामला अवैध उत्खनन से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल कुछ लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माइस ग्राम बिचपुरा में मशीन लगाई गई थी, जिस पर वहां मौजूद कर्मचारी भोला तिवारी ने मशीन लगाने से मना किया, जिस पर केपी अवस्थी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कर्मचारी से प्लांट के मालिक और मैनेजर को बुलाने की बात कही, जिसके बाद कर्मचारी भोला तिवारी ने मैनेजर मनिंद्र कुमार तिवारी को इसकी जानकारी दी और प्लांट पर पहुंचे लोगों ने मैनेजर से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना के दौरान मारपीट करने वाले लोग 4 गाड़ियों में आए थे और जिनमें से एक गाड़ी में मैनेजर मनिंद्र कुमार को राम प्रसाद तोमर, केपी अवस्थी तिलक ग्रोवर, रामजी ग्रोवर पकड़कर क्रेशर ददरा टोला बिचपुरा ले गए और वहां पर लात घूसों से मारपीट की। मारपीट के दौरान मैनेजर को कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। घायल मैनेजर का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे खदान में अवैध उत्खनन कर रहे थे जबरदस्ती, मैं 2-3 लोगों को भेजा वहाँ पे, तो इनको गाली गलौज करके बोले कि मैनेजर को सेठ को बुलाओ, सेठ को भी गाली दिए। मैं वहाँ गया तो मेरे को उठा के मैंने मारे, फिर अपनी गाड़ी में रख लिए, 4 गाड़ी में आए थे, फिर ले जाके क्रेशर में खूब मारे, बोले मार दूंगा गोली यदि मैंने अपने उसमें अभी पैर रख दिए थे। केपी अवस्थी, दादू अवस्थी, तिलक ग्रोवर और उसके लड़के और 10-12 स्टाफ उनका, ये पत्थर का अवैध उत्खनन करते हैं, हमारे खदान में घुस के मशीन लगा के उठा रहे थे। हमारे माइंस में केपी अवस्थी जो उत्खनन कर रहे थे, हम लोग मना करने गए तो बोले कि गोली मार दूंगा, आग लगा दूंगा, नहीं यहाँ से सब हट जाओ, अपने सेठ को बुलाओ, मैनेजर को। जब हम बुलाए तो इनको गाली दिए, तुरंत मारने लगे और मार के अपने गाड़ी में लाद के ले गया फरार करके। लगभग 25-30 लोग आए थे, राड से मारे हैं और हाथ और लात से, 4:30 बजे की। वापस अपन थाना में जब रिपोर्ट किए तो TI साहब फोन किए, तब वो छोड़े हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।